राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग प्रिय है। देखो मान लो कोई साधु कोई ब्राह्मण अपने स्वरूप से च्युत है, बहुत ध्यान से सुने, कोई साधु है साधु वेश में है अथवा कोई ब्राह्मण है, पर साधु को जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है वह, ब्राह्मण को जैसा होना चाहिए वैसा वह नहीं है, और हमने उसमें दोष दर्शन किया, हमने उसकी निंदा की, तो उसका तो सुधार हुआ नहीं, उसके दोष आत्मनिष्ठ हो गए, हमारे भीतर आ गए, ने दोष दर्शन किया दोष चिंतन किया तो पहले वो हमारे भीतर आए, फिर हमारी मन में आए पहले, पर मन के बाद हमारी वाणी में आ गए, और मन वाणी के बाद वह दिन दूर नहीं है जो वही सब दोष क्रिया में भी आ जाएंगे। ये पूज्य भक्तमाली जी महाराज गुरुदेव भगवान ये बात बताते थे, तो उसका तो सुधार हुआ ही नहीं और आप दोषयुक्त तो हो गए। इसलिए केवल अपना ठेका रखो, सबका ठेका मत लो। कर्तव्य बुद्धि से कभी कुछ समझाने बुझाने की आवश्यकता पड़े तो समझा दो, नहीं मानता है तो हुई ही सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा, ये शंकर जी का सिद्धांत मान लो। भले ही साधु ब्राह्मण अपने स्वरूप से च्युत हो गया है, किंतु उस स्वरूप से च्युत साधु को भी वेश मात्र को देखकर हम साधु मानकर आदर करते हैं, तो साधु के सम्मान का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमको मिल जाएगा। ब्राह्मण मानकर के सम्मान करने का जो लाभ है वो हमें मिल जाएगा, और साधु ब्राह्मण अपने स्वरूप के अनुरूप नहीं है उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा, वो भोगेंगे, उसके तुम ठेकेदार नहीं हो। लेकिन साधु ब्राह्मण में श्रद्धा करने का जो लाभ है वो आपको मिल जाएगा। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी